तो बच्चों क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 180 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त का मतलब क्या है, एलसीएम ध्यान में रखना। और दूसरी बात, दूसरी संख्या पूछ रहे हैं, पहली संख्या अगर पूछते तो हम 3 के अकॉर्डिंग देखते, दूसरी संख्या पूछ रहे हैं अनुपात में 3:4 है, 4 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकलेगा। तो करना क्या, देखो इन दोनों मैंने मान लिया कॉमन नंबर क्या हमारा एक्स, 3:4 में हमारे लिए कॉमन नंबर क्या हमारा एक्स, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर क्या दे रखे हैं, एलसीएम बराबर दे रखे हैं 180। तो क्या करना है, एलसीएम में इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा यानी गुणा करेंगे दोनों प्रोडक्ट का, तो 3×4 और कॉमन क्या हमारे रखो एक्स, ये भी इसी में लिख लेना, बराबर कितना आ जाएगा 180। तो 3×12 और साथ में एक्स बराबर कितना आ जाएगा 180। तो एक्स बराबर 180 है, बटे के नीचे क्या आ जाएगा इधर से 12, गुणे में होता गुणे को उल्टा बटा में आ जाता, बटे मतलब भाग होता, तो इससे इसको भाग कर दो तो 12×12, 12×5=60, 15 आ जाएगा। तो एक्स बराबर क्या निकला 15, पर ये हमारा आंसर नहीं है, ये कह रहे हैं दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या के लिए अगर पहली संख्या बोलते तो हम 3 के साथ एक्स का कॉम्बिनेशन करते, यानी 3x को गुणा कर देते, मान लो 3 × 3 एक्स पे कितना रख देते हम 15, तो पहली संख्या कितनी हमारी आ जाती 45, ठीक है। लेकिन ये पूछ रखे हैं दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या 4 है, 4 के साथ एक्स का कॉम्बिनेशन करेंगे 4x, तो 4×x की वैल्यू क्या रखेंगे 15, 15×4 कितना आ जाएगा 60। तो हमसे दूसरी संख्या पूछे हैं, तो हमारा नंबर क्या आएगा आंसर में, आंसर नंबर सी राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट है 60, ठीक है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के अकॉर्डिंग नहीं देखना। दूसरी बात बच्चों, प्री बोर्ड एग्जाम 2021 क्लास 10 जितने पेपर हुए थे सबके आंसर चैनल पर अपलोड हैं, आप कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो या फिर प्लेलिस्ट देख सकते हो, आपको सारे आंसर सीरियल वाइज एक ही फोल्डर में मिल जाएंगे। अब उसको कैसे चेक करोगे, तो आप ये समझ लो आपके समझ में आ जाएगा, तो ऐसे करना आप। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लो बच्चों आपने स्टार्ट किया मेरी वीडियो को इसे भी चला रहे हो, तो देखो वीडियो के आइकन पर जाना है, लोगो है ना ये साइड में मेरी पिक्चर दिख रही है, इस पर आपको क्लिक करना है, फिर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, ऊपर लिखा होम पेज वीडियो प्लेलिस्ट कम्युनिटी, आपको कम्युनिटी पर जाना है। यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि मैंने ये 21 मिनट पहले मैंने अपलोड किया था SST का, तो ऑप्शन भी दे दिया था आपको क्या पसंद है, मतलब देखा कि नहीं देखा उसी हिसाब से ब्लू लिंक क्लिक करोगे आंसर देख सकते हो। या फिर ये हमने हिंदी का दिया था प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2021 हिंदी पेपर के आंसर के लिए लिंक दे रखी थी, इधर ऑप्शन दे दिया था। फिर उसके बाद में इंग्लिश का भी मैंने अपलोड किया था, ठीक है, ये इस प्रकार से देख सकते हो। यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लिया करो, ठीक है ना, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और मैं वर्कशीट भी अपलोड कर देता हूँ या असेसमेंट भी अपलोड कर देता हूँ ऑल, तो यहाँ पर भी मैं ऑप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। अब मान लो ये आपके समझ नहीं आ रहा है, तो इधर देखो ध्यान से, इधर आ जाना आप, ये प्लेलिस्ट है ना, ये प्लेलिस्ट पे क्लिक करना, तो प्लेलिस्ट में देखो ये ध्यान से ये सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे ये लिखा है क्लास 10 प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2021 ऑल सब्जेक्ट आंसर, इस पर अगर आप टच करोगे तो आपको सारे सब्जेक्ट के आंसर एक साथ यहीं पर मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर भी यहीं मिल जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ से भी आप देख सकते हो, या बैक हो जाओ, या इसके बाद में और भी प्ले लिस्ट है नीचे, जैसे असेसमेंट 1 की, असेसमेंट 2 की, 3, 4, 5 सब लाइन से इसमें 5 तो फिलहाल आएगी, ठीक है ना। सारी चीज़ें मैं ये प्ले लिस्ट में भी डाल देता हूँ संस्कृत की, इंग्लिश की, सब उसी हिसाब से देख सकते हो, यहाँ से आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना ही था, इसी हिसाब से आप करना आगे देख। तो बच्चों आज की वीडियो बस इतना ही था, आई होप सारे डाउट आपके क्लियर है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।